कोरोना के बढ़ते मामलों ने हर किसी को खौफजदा कर दिया है। यही वजह है कि सरकार की नई गाइडलाइन के बावजूद लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। सरकार की ताज़ा गाइडलाइन के चलते आज मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल तो खुले, लेकिन पहले दिन कोई छात्र यहां शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने नहीं आया। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने गाइडलाइन के मुताबिक इंतजाम भी किए थे, लेकिन छात्रों के न पहुँचने से सारे इंतजाम वैसे ही धरे रह गए। बैतूल के सबसे बड़े एक्सीलेंस स्कूल और छात्राओं के गर्ल्स हायर सेकेंडरी में कोई भी छात्र छात्रा नहीं पहुंचे। इस बीच पालकों ने भी साफ कर दिया है कि वे कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अपने बच्चों को जोखिम उठाने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासों के जरिए ही वे बच्चों की शंका समाधान की कोशिश कर रहे हैं। पालकों ने सरकार के स्कूल खोलने के फैसले पर भी विरोध जताया है। इधर शिक्षक यहाँ पूरे समय इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन कोई छात्र यहाँ नहीं पहुँचा। खबर मध्य प्रदेश की टीम ने स्कूलों का जायजा लिया, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। एक मिनट लाइन पर है। अमित जी बताएं कि जो स्कूल आज से खोले गए हैं, तो आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि नहीं, क्या सोचते हैं आप सरकार के निर्णय से? नहीं, बिल्कुल सरकार का निर्णय ये तो सरासर गलत है। कि देखिए, जो इफेक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं जो इनका है, तो बच्चे और बूढ़े। अब आप बच्चों को स्कूल भेजने की कवायद शुरू कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और मैं तो मेरे बच्चे को, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, मैं बिल्कुल उसको स्कूल नहीं भेजूंगा। क्या नाम है आपके बच्चे का और कौन सी क्लास? तनिष्क कसेरा है, 11th क्लास में वो पढ़ता है, और मैं उसको स्कूल नहीं भेजूँगा। स्टडी में दिक्कत नहीं आई? स्टडी का ऐसा है कि स्टडी ऑनलाइन भी वो क्लासेस ले ही रहे, जो डाउट्स होता है वो टीचर उनके वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। और यदि लड़का पढ़ाई कर रहा है तो वो उतनी यदि ऑनलाइन भी कर सकता है। और जो स्कूल, ऐसा कोई मैं नहीं समझता कि उसे स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, इतने महीनों तक हुए हैं तो आगामी भी होंगे। मैं जब तक ये कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कम से कम मुझे तो काम पे निकलना है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ और सारा उसको मापदंडों को पालन करता हूँ। लेकिन बच्चे कभी गलती कर दें और गलती से यदि वो कोरोना का कहर उस पर बरत जाए, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। मैं मेरे बच्चे को बिल्कुल स्कूल नहीं भेजूँ। बच्चे आएंगे, वो पालक की सहमति लेकर के आएंगे। उनकी कोई समस्या होगी वो पर्टिकुलर शिक्षक से पूछेंगे, और कोविड के दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंस बना करके और अलग व्यवस्था उनकी अलग कमरे में करके रखी हुई है। बच्चे जब आएंगे तो किस तरह से स्कूल की व्यवस्थाएं रहेंगी? सैनिटाइज किस तरीके से किया जाएगा? थर्मल स्कैनिंग होगी कि नहीं होगी? और थर्मल स्कैनिंग होगी और सैनिटाइजिंग भी होगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा भी है, तो फिर भी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है? बच्चे आ नहीं रहे वैसे, हाँ तो वो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे ही। शासन की गाइडलाइन के अनुसार हमको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे बच्चे आते हैं तो गेट पे ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए, और यदि ऐसा कोई बच्चा पाया जाता है तो उसको वापस कर दिया जाए स्कूल से। और यदि कोई, वैसे तो बिजी लैब के माध्यम से पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, यदि बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो शिक्षक से पूछ सकता है, लेकिन उसके पास में पालक के पास लिखित में सहमति पत्र होना चाहिए, और यदि नहीं है तो उनको अलाउ नहीं करेंगे हम बच्चों को। बाकी स्कूल में हमारी सब सारी व्यवस्थाएँ कंप्लीट है शासन के निर्देशानुसार। स्वच्छता है, पेयजल है, शौचालय है, डिस्टेंसिंग, बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, कमरे है। कितने बैठते थे एक क्लास में और अब कितने बैठे? पहले तो 35-40 बैठ जाते थे, लेकिन अब हम अधिकतम 5-7 बैठाएंगे। सर ये बताइए, जो स्कूल चालू होने तक बच्चे अभी आए नहीं, क्या ये इसमें कल हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो,
डी ओ ऑफिस से बना हुआ है, इसमें कल ही ये मैसेज डाला था आज से स्कूल चालू करने का। तो हमने ये बच्चों के जो ग्रुप हैं उसमें ये एक तो ये निर्देश दिए गए हैं कि पालकों की सहमति इसमें आवश्यक होगी। तो जो गाइडलाइन डली थी कल हमारे स्कूल के ग्रुप में, तो उससे हमने एक नियमावली तैयार करके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, और उसमें पालकों की सहमति जब हमारे पास आ जाएगी उसके हिसाब से फिर हम बच्चों को यहाँ पे बुलवाएंगे। सर क्या व्यवस्था की गई है स्कूल में बच्चों को लेकर कोविड को लेकर? इसके लिए तो सैनिटाइज करवाना है दोनों टाइम, जैसे कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि दोनों टाइम सैनिटाइज होगा, हर कमरे सैनिटाइज होंगे, और थर्मल स्कैनर हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, तो टेम्परेचर भी बच्चों का लिया जाएगा, उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। कौन सी कक्षाओं तक के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति है? 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। क्लासरूम में अगर कोई बच्चा आता है तो उसको किस तरह से स्टडी करवाएंगे, उसकी क्या व्यवस्था है? इसके लिए चूँकि दर संख्या ज़्यादा है और हमारे यहाँ कमरों में जैसे नॉर्मली 30 से 32 तक बच्चे बैठा ले जाते हैं, लेकिन अब ये COVID-19 की दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हम इसमें एक कमरे में लगभग 12 से 15 के बीच में बच्चे बैठा पाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होगा। तो सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो सर कैसी व्यवस्था है इसमें? हम एक तो पर डे ये शिफ्ट निर्धारित करेंगे, और कुछ बच्चों को ही इसमें एक टाइम टेबल जैसा उनका बना देंगे, और विशेष रूप से जैसे हमारे अभी डीजी लैब पे कक्षाएं चल रही हैं, मैटर डलता है DPI से, तो वो बच्चे अध्ययन कर ही रहे हैं, और इसमें बच्चों के कांटेक्ट में हमारे सब्जेक्ट टीचर भी रहते हैं। तो ये कोई कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बच्चों को कठिनाई आती है, तो उस विशेष टॉपिक के लिए हम बच्चों को अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके लिए टाइम टेबल निर्धारित कर किया है हमने, और उसके हिसाब से बच्चों को बुलाएंगे शिफ्ट वाइज। गौरतलब है कि करीब 6 महीने बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी का भय साफ अभिभावकों के साथ साथ विद्यार्थियों में देखा जा रहा है, जिसके चलते स्कूल में तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी कक्षाओं में सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, बैतूल।